क्या आप मेरे घर चलकर कुछ खाना चाहेंगे? उन्होंने कहा, हाँ हम भूखे हैं, पर क्या आपके पति घर पर ही हैं? उस महिला ने कहा, मेरे पति बाहर गए हुए हैं, वो थोड़ी देर में ही आते होंगे। तो उन तीनों ने कहा कि जब आपके पति घर आ जाए तब आप हमें बुलाने आ जाना। जब उस महिला के पति घर आ गए तो उसने अपने पति से कहा, ये तीन बुजुर्ग व्यक्ति काफी देर से बाहर बैठे हैं और भूखे लगते हैं, मैं इन्हें घर बुलाकर खाना खिलाना चाहती हूँ। उसके पति ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप उन्हें घर लेकर आओ। वह महिला वापस उन तीन बुजुर्ग व्यक्तियों के पास आई और उनसे कहा कि मेरे पति घर आ गए हैं, अभी आप तीनों मेरे घर चलकर भोजन करो। उन तीनों ने कहा, हम तीनों एक साथ कहीं भी नहीं जाते, मेरा नाम है धन, वेल्थ, और ये दूसरे जो व्यक्ति हैं इनका नाम है सफलता, सक्सेस, और जो वहां तीसरे व्यक्ति बैठे हैं उनका नाम है प्रेम, लव। तो आप हम तीनों में से किसी एक को ले जा सकते हैं, बाकी दो लोग हम बाहर ही रहेंगे, अब आपकी मर्जी है, आप किसे ले जाना चाहते हैं? तो उस महिला ने कहा कि मैं अपने पति से पूछकर आती हूँ। उसने अपने पति को आकर के सारी बात बताई तो उसके पति ने कहा, क्यों ना हम धन को इनवाइट करें, अगर हमारे घर में धन आएगा तो हम अपनी हर इच्छा पूरी कर सकेंगे। तो उसकी वाइफ ने कहा, इससे तो अच्छा है हम सक्सेस को इनवाइट करें, जहाँ सक्सेस है, सफलता है, वहां भी सारी चीजें आ जाती हैं। और वहां उनकी एक छोटी बेटी भी बैठी थी, उसने कहा, क्यों ना हम प्रेम को इनवाइट करें, लव को इनवाइट करें, अगर प्यार हमारे घर आएगा तो हमारे घर में खुशियां अपने आप आ जाएंगी। अपनी बेटी की बात उन दोनों को अच्छी लगी। वह महिला बाहर आई और उसने कहा कि मैं प्रेम को बुलाना चाहती हूँ, लव को इनवाइट करना चाहती हूँ। जैसे ही लव उस महिला के पीछे पीछे उसके घर जाने लगा तो सफलता और धन भी उसके पीछे पीछे जाने लगे। फिर उस महिला ने पूछा कि आपने तो कहा था आप तीनों एक साथ नहीं आते और मैंने तो सिर्फ प्रेम को बुलाया है। तो उन्होंने कहा कि यही तुम्हारी परीक्षा थी, जहाँ पे सिर्फ धन को बुलाया जाता है वहाँ पे सफलता और प्रेम कभी नहीं जाते, और जहाँ सिर्फ सफलता को बुलाया जाता है वहाँ पे भी धन और प्रेम पीछे रह जाता है, और जिस घर में प्रेम होता है वहाँ सफलता और धन दोनों पीछे पीछे आ जाते हैं। ये छोटी सी कहानी हमें शिक्षा देती है कि हम आजकल धन के पीछे तो दौड़ रहे हैं, सफलता के पीछे तो दौड़ रहे हैं, पर वो प्रेम पीछे छूट गया है, और जहाँ प्रेम नहीं है वहां धन और सफलता भी खुशी नहीं दे पाते हैं। जिसके घर में, जिसकी जिंदगी में, जिसके रिश्तों में प्रेम आ जाता है वहां पे धन और सफलता अपने आप पीछे पीछे आ जाते हैं। इसलिए कभी भी धन और सफलता के पीछे इतना मत भागना कि प्रेम पीछे छूट जाए। ये बहुत अच्छी बात है कि आप धनवान बने, आप सफल बने, पर सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी जिंदगी में, आपके घर में प्रेम जरूर हो।